तो उधर आप देख सकते हैं, ये हमारा क्लब हाउस का लाइब्रेरी रूम। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 8, हम लोग का लेंथ का फास्टिंग जो चल रहा है, और आप लोग ने बहुत सारा प्यार दिया मेरे कल के व्लॉग में जो मैंने डाला था स्पेशल गाजर का हलवा का रेसिपी। तो आप लोग ने बहुत सारा लाइक और कमेंट्स दिए हैं, तो थैंक यू सो मच गाइस। ऐसे ही आपका प्यार मेरे व्लॉग्स में रखो और ज़्यादा करके मेरे व्लॉग्स देखो। मैं ऐसे ही आपको रेसिपी शेयर करती रहेगी रोज नए नए रेसिपीज़। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि गाजर का हलवा बहुत सारा है, तो मैं एंटोन के ऑफिस में भेजेगी थोड़ा, क्योंकि लेंथ का सीज़न जो है उन लोग बोलते हैं कि लोगों को शेयर करने का अपना मील्स और खाना, तो उसके लिए मैं आज एंटोन के ऑफिस में गाजर का हलवा सेंड करती हूँ। देख सकते हैं मैंने गाजर का हलवा को पैक किया है अच्छे से, और ये जाएगा एंटोन के ऑफिस के दोस्त लोग के लिए। तो मैं हमेशा कुछ ना तो कुछ भेजती रहती थी पहला, तो बहुत टाइम हो गया कुछ नहीं भेजा। तो आज मैंने डिसाइड किया है आज अच्छा गाजर का हलवा बनाया है, तो आज मैं वो सेंड करती हूँ उन लोग के लिए। मैं जा रही हूँ नीचे एंटोन को ये गाजर का हलवा देने के लिए, वो ऑफिस जा रहा है अभी। तो ये है मेरा आधा किलो भिंडी, और इसको मैं अच्छे से धोएगी और कपड़े से पोछूंगी, और फिर पीसेस में कट करके भाजी बनाती हूँ। तो अभी हम लोग कपड़ा धोएंगे, तो मैं मशीन डालती हूँ और इसके बाद फिर मैं डिटर्जेंट, और फिर हम लोग चारों करेंगे। तो कपड़ा धोने के लिए मैं गोदरेज जेंटल मैटिक लिक्विड यूज़ करती हूँ। तो ये है क्लोथ्स दैट शाइन लाइक न्यू, तो हम लोग हमेशा ये यूज़ करते हैं गोदरेज का लिक्विड। तो अभी हम लोग ये मशीन में डालेंगे और फिर मशीन को चालू करते हैं। देख सकते हैं मैंने डिटर्जेंट लिक्विड जो मैंने डाला है 1 कप, और इधर अभी हम लोग चालू करते हैं। तो मैंने मेन स्विच जो है मैंने ऑन किया है, और अभी मैं मेरा मशीन को चालू करती हूँ। तो ये पावर बटन, फिर हम लोग डालेंगे P2 पे जो है वॉश रिंस और ड्राई, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आप देख सकते हैं इधर से अभी पानी आ रहा है, तो अभी पानी आ रहा है। तो अभी हमारा कपड़ा जो है वो धोए। तो ये है मेरा वर्लपूल का वाइट मैजिक क्लासिक मशीन, और ये अभी ऑलमोस्ट 3 साल होने आया है। तो इसका टाइम आप देख सकते हैं ये है 15 मिनट का, और ये वॉश रिंस और ड्राई भी होगा। तो जब तक वो 7 या 8 मिनट नहीं होता है तो वो वापस से रिंस करेगा, तभी हम लोग कंफर्ट का लिक्विड डालेंगे, क्योंकि खुशबू आना चाहिए कपड़े में, तो उसके लिए हम लोग कम्फर्ट का लिक्विड यूज़ करेंगे। ज़्यादा करके मल्टीटास्क करती हूँ जब भी मैं खाना पकाती हूँ, तो जब तक मेरा भिंडी का सब्जी कट रहा था वो अभी मैंने मशीन को चलाया है क्लोथ्स धोने के लिए, और अभी मैं भिंडी की सब्जी बनाएगी और एक साइड में दाल को कुकर में डालेगी पकाने के लिए। देख सकते हैं मेरा चावल जो है वो रेडी हो गए, और अभी हम लोग भिंडी की सब्जी का तैयारी करते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं मेरा भिंडी जो है चुका है। अभी इसके अंदर हम लोग जो भी मसाला डालना है वो डाल के हम लोग अभी इसको स्लो गैस पे रखेंगे। हमारा जो सब्जी है वो रेडी हो गया है, और इसका मैंने ऑलरेडी ब्लॉग डाला है, उसके लिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया आज। तो आप मेरे भिंडी सब्जी का रेसिपी ब्लॉग आप देख सकते हैं, उसमें आपको पूरा डिटेलिंग रेसिपी मिलेगा। तो ये है मेरा मूंग वाला मसाला दाल जो अभी मैं कुकर में चढ़ाएगी,
और मेरा सब चीज़ जो है वो अलग हो गए। अभी हम लोग कुकर को चलाते हैं दाल के लिए। मैंने कुकर को चलाया अभी दाल के साथ और अभी हम लोग छानी से लाने का कुकर। तो ये देखो गाइस हमारा दाल जो है वो रेडी है। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ और शाम के 5 बज रहे हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा नीचे जाते हैं वॉक करने के लिए और मैं आपको दिखाती हूँ जेपी नॉर्थ गार्डन का प्ले एरिया और टेनिस कोर्ट वो सब। ये है हमारा क्लब हाउस और ये है एलारा का विंग और उधर आप देख सकते हैं वो है जेपी नॉर्थ का टेनिस कोर्ट। इधर आप देख सकते हैं बच्चे लोग खेल रहे हैं। तो ये है फुटबॉल का कोर्ट और वो साइड आप देख सकते हैं वो है छोटा सा गार्डन। और ये सोसाइटी है घर अपने दम पर और ये है बंटी का बिल्डिंग जो इतना टॉल है। तो इधर आप देख सकते हैं कि बच्चे लोग खेल रहे हैं और इधर सीनियर सिटीजन के लिए बैठने के लिए जगह है। और ये है वॉकिंग ट्रैक जो इधर अभी बच्चे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। तो उधर भी आप देख सकते हैं उधर भी एक छोटा सिटिंग एरिया है। तो इधर लोग चल रहे हैं शाम के टाइम पे। और ये है हमारा दूसरा सिटिंग एरिया। और ये देखो ये है हमारा एस्टेला 2D का विंग और ये है पूरा एस्टेला का ये बिल्डिंग्स जो अलग अलग विंग में है। ये है 2C 2B 2D एक साथ। तो उधर आप देख सकते हैं ये है हमारा क्लब हाउस का लाइब्रेरी रूम और वो साइड है जिम और लैक्मे का सलून और वो है स्विमिंग पूल जो आज ऑपरेशनल नहीं है। और ये है हमारा सोसाइटी जो है एलारा केविंस। तो इधर हम लोग सब्जी खरीदने आए हैं नीचे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कबूतर को खाना डालने के लिए चना। ये है हमारा जेपी का बैक गेट। मैंने आलू को फ्राइज के पीसेस में काट लिए हैं जिसमें नमक और थोड़ा सा ब्लैक पेपर मैंने डाला क्योंकि मुझे एक्चुअली ब्लैक पेपर बहुत पसंद है उसके लिए मुझे फ्राइज ऐसे पसंद आता है। और हमारा तेल जो है वो गर्म हो गया है। अभी हम लोग आलू को उस तेल में डालेंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे। हमारा फ्राई जो है वो फ्राई हो रहा है। 7 बज गए गाइस और अभी मेरा फ्राई जो है मैं खोल रही हूँ। तो आज है डे 8। तो आज मैंने घर में ही पकाया सब कुछ। तो आज हम लोग नॉर्मल घर का खाना ही खाएंगे। तो ये है पापड़, ये है भिंडी की सब्जी, पानी, ये है दाल चावल जो मैंने बनाया है और ये है फ्राइज। चलो गाइज अभी हम लोग फास्ट को खोलेंगे। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और कमेंट करने के लिए मत भूलो गाइज। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है छोटा सा टूर जो है जेपी नॉर्थ गार्डन का प्ले जोन तो मुझे कमेंट्स में बताना। तो मैं एक वीडियो जो है मेरा पूरा जेपी नॉर्थ गार्डन सोसाइटी का टूर आपको देगी और हम लोग का जो क्लब हाउस का भी टूर उसमें मेरा पूरा व्लॉग रहेगा। तो आप लोग कमेंट्स में बताना कि आपको कैसा लगा है तो मैं वो व्लॉग जल्दी आपके पास पहुँचाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग टुमारो। बाय।